नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, मामला जनपद कन्नौज के विकास खंड हसेरन में आने वाले ग्राम पंचायत कंसुआ का है, जिसमें नीरज पत्नी तेज सिंह का कहना है कि मेरा लिस्ट में नाम आने के बाद भी मुझे प्रधान जी ने आवास नहीं दिया और उन्होंने हमसे पैसों की मांग की। कहा कि पैसे दे दो तो तुम्हारा आवास तुमको मिल जाए। हमने कहा भी कि प्रधान जी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो वो बोले, पैसे नहीं तो कोई आवास नहीं। ऐसा हम कई बार उन्हें अपने दुखों की उत्पीड़ता जताई, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई आवास नहीं मिलेगा और वो हमें अनदेखा करने लगे। पीड़ित का कहना है कि सरकार केवल धनवान लोगों को ही आवास देती है और पदिता ने कहा कि हम कई वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो कि अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसमें इन दिनों पानी बरसने के कारण पानी घर में घुस जाता है। रात रात भर हम और हमारे बच्चे पानी से परेशान हैं। यहाँ तक कि मैं पीड़िता का कहना है कि मैं अपना परिवार मजदूरी करके जैसे तैसे चला पा रहा हूँ, मैं घर कैसे बनवाऊँ पाऊँगा। पीड़िता ने बड़े दुख के साथ कहा कि सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उच्च अधिकारी हमारी सुनते नहीं, क्या गरीब के लिए कोई अब नहीं, मुझे आवास दिला दिया जाए तो मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकूं। ऐसा कहते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि विभिन्न आवास योजना का लाभ पीड़िता नीरज पत्नी तेज सिंह को मिल पाता है या नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। मैं आपका, मेरा नाम नीरज है। कहाँ की रहने वाली हो? कंसुआ की। ये बताइए, आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या है, मेरा कच्चा मकान पड़ा है, कोई मुझे कॉलोनी नहीं देता है। प्रधान कहा, कई बार कहा, बोलता है तुमको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ऐसा क्या कारण है? अरे हमारे पास देने के लिए नहीं, वो रिश्वत लोग मांगते हैं। रिश्वत मांगते हैं तब कॉलोनी मिलेगी? हाँ, प्रधान यही बोला है। प्रधान यही बोला है, 5 साल हो गई, बोलते देंगे देंगे देंगे, जब आती है तब देते नहीं है। जिनके मकान बने हैं उनको मिलती है, हमारा तो कुछ भी नहीं है तो हमको नहीं मिलती है। ये बताइए, आपका मकान फटने की मूड में है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे तो मकान गिरने वाला है, जब गिर जाए डर लगता है कि बच्चे भी ना दब जाएं, हम ना दब जाएं, बताओ क्या करें। तो आपको तो ऐसे लोगों को तो आवास मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं मिला, दिया ही नहीं। क्या नाम है आपका? तेज सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कंसुआ। ये बताइए, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है? हसेरन। अपनी समस्या? समस्या ये, टूटी फूटी परिस्थिति बहुत खराब है, जाते हैं तो हो सकता है कि बरसात का मौसम गिर जाए मकान तो बच्चे भी दब जाएंगे। क्या टूटा फटा मकान है आपका? टूटा फटा का, ये गिरने बनाई गिरने की तैयारी है, जब गिर जाए, अधिक बारिश हो गई तो आज भी गिर सकता है। तो ऐसे लोगों को तो आवास मिलना चाहिए। प्रधान सुनता ही नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं सुन रहा है, रोजगार सेवक यहाँ आते हैं वो लोग लौट जाते हैं। आपने कभी भी प्रधान से बोला था? प्रधान से एक बार नहीं, 1000 बार बोला है, सेक्रेटरी से भी बोला है, वो भी नहीं सुनता है। वो भी नहीं सुनते हैं? कोई भी नहीं सुनता है। प्रधान जो भी, प्रधान तो उसका काम करता है जो रिश्वत देता है, जो रिश्वत देगा उसी का प्रधान काम करता है। हम गरीब आदमी, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, प्रधान हमको क्या देगा? तो ऐसा तो है नहीं, रिश्वत दे के ही काम हो? नहीं, वो तो बिना रिश्वत के तो काम करना ही नहीं है। जो रिश्वत वाली बात ना, वो तो हम जैसे गरीबों को ना मिले, जो रिश्वत देता है उसी काम करता है वो। आपने रिश्वत देने की कोशिश की थी, आपसे क्या बोला था? अरे हमने कहा सब, आप जब हमको कुछ काम करवाएंगे तो उसी में से दो भी जो रिश्वत पड़े हम दे देंगे। वो बोलता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, बिना रिश्वत का काम नहीं हो पाएगा। हाँ, रिश्वत दोगे तो काम होगा, तभी काम होगा, यही बोला प्रधान। यही बोलता है प्रधान। सेक्रेटरी ने क्या कहा? सेक्रेटरी भी है ये, जब प्रधान से ये तो कहते हैं तो प्रधान जब सेक्रेटरी से बोले तब ना प्रधान सुनता ही नहीं, सेक्रेटरी के भी यही काम। जी धन्यवाद। प्रधान जी ने बोला कि ऐसा हमको कुछ रिश्वत दो, तो हमने कहा कितने दें? बोला 3000 रुपये दो तो तुम्हारा कॉलोनी का काम काज चालू करवा देंगे, आपको कॉलोनी मिल जाएगी। हमने 3000 रुपये भी दिए और मेरे को कुछ मिला भी नहीं। कितने दिन हो गए रुपये दिए? हमारे को दो साल हो गए लगभग रुपये दिए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, अब तो प्रधान मेरी तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है। प्रधान का नाम क्या है? रामनाथ संखवार। कहाँ के रहने वाले? ये आलम शाह का पुरवा।